नमस्कार मित्रों, इंडिया के स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज नूडल्स या मल्टी मिलेट नूडल्स, और हम इसमें पूरा करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी। आप देख रहे हैं मित्रों कितने बढ़िया लाजवाब नूडल्स बनके तैयार हुए हैं। कैसे देख के लग रहा है ये मल्टी मिलेट नूडल्स है। तो चलिए बनाते हैं नूडल्स। तो मैंने यहाँ पे इस ब्रांड का मल्टी मिलेट नूडल्स यूज़ किया है, जिसमें किसी मैदे का प्रिजर्वेटिव का उपयोग नहीं किया गया। आप देख सकते हैं मित्रों इसके इंग्रेडिएंट्स, इसमें लिखा हुआ है MRP 350 रुपये, पर 99 रुपये में मिल जाता है अमेजोन पे। मैं नीचे लिंक्स दे दूँगी, बहुत सारे ब्रांड्स के मिलते हैं। और इसके अंदर एक मसाले का पैकेट है, आप चाहे तो उसको उपयोग कर सकते हैं, रेगुलर तरीके से बना सकते हैं। और ये FSSAI का रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है और आत्मनिर्भर प्रोडक्ट है ये। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है गर्म पानी, 1 लीटर गर्म पानी है, और खौलते हुए पानी में मैं डाल दूँगी नूडल्स को। तो ये पैकेट है, मैंने इसके अलग से निकाल के रख दूँगी, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी नमक स्वादानुसार। मित्रों पैकेट पे लिखा है कि 3 मिनट में नूडल्स बनके तैयार हो जाते हैं, पर मुझे 4 से 5 मिनट के बीच में लगे हैं नूडल्स तैयार होने में। तो मित्रों ये बहुत ही बढ़िया अच्छा ऑल्टरनेटिव है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, बिना मैदे का बना हुआ है ये, और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। तो आप देखेंगे कितना बढ़िया ही नूडल्स बनके तैयार हो गया था। मैंने उसे छान लिया था और फिर मैं इसे ठंडे पानी में डाल दूंगी, मुझे बेस्ट तरीका लगता है। आप चाहे तो उसके ऊपर तेल लगा के रख सकते हैं, थाली में फैला के फैन के नीचे लगा सकते हैं, पर ये बेस्ट तरीका है। हम सब्जियां देख लेते हैं मित्रों। जब तक मैंने यहाँ पे ले लिया है गाजर, बेल पेपर्स, हरी शिमला मिर्च, प्याज, हरे प्याज, हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ और पत्ता गोभी या बंद गोभी। मित्रों सब्जियों की मात्रा आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। सब्जियाँ रेडी हैं, नूडल्स रेडी हैं, चलिए नूडल्स बनाते हैं। तो मैं कढ़ाई में मैं गरम कर लूँगी 3 बड़ा चम्मच तेल, मोटे बेसिक कढ़ाई का उपयोग करना है हमें। और जब तेल गरम हो जाएगा उसमें डाल दूँगी लहसुन की कलियाँ जिसे मैंने चॉप कर लिया है, और 2 हरी मिर्च। मित्रों हरी मिर्च की मात्रा आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। उसे 5 से 10 सेकेंड के लिए भूनेंगे हाई फ्लेम पर, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1 प्याज। यहाँ पर मैंने बड़ा प्याज लिया है जिसे हमें यूँ लच्छे के रूप में काटना है, और हमें इसे भूनना है हाई फ्लेम पे ही 1 से 2 मिनट के लिए। आप चाहे तो इसके संग में ही आप जो हरे प्याज के साथ में ऊपर का सफ़ेद प्याज आता है वो भी डाल सकते हैं, या सिर्फ उसे भी डाल के इसे ओमिट कर सकते हैं। तो जैसा आपको पसंद है वैसा आप कर सकते हैं। और 1 से 2 मिनट बाद में जब प्याज भुन जाएंगे हम इसमें डाल देंगे गाजर, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च। मित्रों यहाँ पे शिमला मिर्च की मात्रा आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए मैंने कोई क्वांटिटीज़ नहीं लिखी है। फिर मैं इसमें डाल दूँगी पत्ता गोभी और नमक स्वादानुसार। नमक हमें ध्यान से डालना है मित्रों, क्योंकि मसाले में और नूडल्स में ऑलरेडी नमक है। तो हम नमक डाल के इसे सारी सब्जियों में अच्छे से टॉस कर लेंगे, और फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी मसाले का पैकेट जो इसके साथ में आया है। आप चाहे तो इसे ओमिट कर सकते हैं, और इसकी जगह सोया सॉस, विनेगर, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस डाल के भी इसे बना सकते हैं, पर मुझे ये मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर मैं डालूंगी 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, और हम इसे अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। मित्रों हमें इसे पूरा गलाना नहीं है, खड़ा खड़ा ही रखना है सब्जियों को। मित्रों जो इसके साथ में मसाला आता है वो बहुत स्पाइसी होता है, तो आपको हरी मिर्च की मात्रा उस हिसाब से एडजस्ट करके डालनी है। मित्रों जब तक ये सब्जियाँ पक रही है, ऑलमोस्ट पकने आ रही है, तो मैं क्या करूँगी जो नूडल्स को हमने ठंडे पानी में भिगो के रखा था मैं उसे भी छान के रख दूँगी, ताकि 1 से 2 मिनट में उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो वो ड्रेन आउट हो जाए। और फिर मैं इस पर डाल दूँगी 3 से 4 मिनट बाद में नूडल्स और हरे प्याज के पत्तियाँ, और हम इसे अच्छे से टॉस करेंगे। और ये अच्छे से टॉस होने के बाद में रेडी है गर्मा गर्म खाने के लिए। तो मित्रों है ना बहुत ही बढ़िया मल्टी मिलेट नूडल्स। इससे हमारे 3 फायदे हैं, बढ़िया हेल्थ, बढ़िया स्वाद, और हम आत्मनिर्भर भारत के उद्योगों को सहयोग भी कर पाएंगे। तो आप भी मल्टी मिलेट नूडल्स को ज़रूर बनाइएगा। मित्रों अगर आपको अमेजोन से नहीं खरीदना है, आपके घर के पास कोई स्टोर है आप वहाँ से भी खरीद लीजिए, मैदे की नूडल्स खरीद लीजिए, पर मैदे की नूडल्स को अवॉइड कीजिए। आप भी इस मल्टी मिलेट नूडल्स को जरूर ट्राई कीजिएगा, खाइएगा, खिलाइएगा, और मुझे बताइए वो कैसी लगी रेसिपी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।